फेसबुक का पासवर्ड भूल गए तो कैसे पता करें, 2024 में इस सेम प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता करें। तो यहाँ पे गाइस कई सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि फेसबुक का पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तो ऐसे में हम अपने पासवर्ड का कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप अपना फेसबुक अकाउंट नया नया अकाउंट क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद जब अपना फेसबुक अकाउंट फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो तो उस वक्त आपका जो पासवर्ड होता है वो आपके मोबाइल के गूगल अकाउंट पर जाके सेव हो जाता है। तो सबसे पहले गाइस अगर आप अपना पासवर्ड फेसबुक का भूल जाते हो और ऐसे में अगर आपको अपने पासवर्ड का पता लगाना है तो आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल के गूगल अकाउंट के सेटिंग्स में जाके अपने पासवर्ड को चेक करना है कि आपका पासवर्ड वहाँ पे सेव है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे केसेस में मेरा यहाँ पर फेसबुक अकाउंट तो लॉग इन है, लेकिन अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर दूंगा तो मैं फिर से लॉग इन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। बट फिर भी मैं अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर लॉग आउट करूँ आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके चेक करना है कि आपका पासवर्ड वहां पे सेव है कि नहीं। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स पर टैप करने के बाद स्क्रॉल करूंगा एंड नीचे गूगल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको उस गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोफिल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है। देन इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ऑटो फिल विद गूगल एंड उसके बाद स्क्रॉल करके आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। देन इसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देखोगे आपके जितने भी सारे सोशल मीडिया या फिर जितने भी सारे बैंकिंग एप्लीकेशन या गूगल अकाउंट्स, जितने भी सारे अकाउंट्स के जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर सेव्ड देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट का भी पासवर्ड यहाँ पर सेव है, तो लेट मी शो यू। ओके सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक का भी जो पासवर्ड है, मेरे सभी फेसबुक अकाउंट के मेरे दो अकाउंट्स हैं तो दोनों के जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे सेव देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर देखो मैंने एक को डिलीट किया, ये है मेरा फेसबुक का परमानेंट अकाउंट जिसका पासवर्ड यहाँ पे सेव है। तो एक बार मैं अपने पासवर्ड को चेक कर लेता हूँ। ओके तो मैंने अपना जो फेसबुक का जो पासवर्ड है उसे मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक बार अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करूँगा, लेकिन इससे पहले अगर गाइस लेट्स एग्जांपल अगर आपका पासवर्ड गूगल अकाउंट पे सेव नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का, बिकॉज गूगल क्रोम ब्राउजर में भी आपका जो पासवर्ड है वो सेव होता है। अगर आप फेसबुक की वेबसाइट ओपन करते हो गूगल क्रोम ब्राउजर में तो जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली आपके पासवर्ड को सेव कर लेता है। तो यहाँ पर आके भी आप अपने पासवर्ड को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है फेसबुक का वो यहाँ पे सेव है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेव है। तो लेट्स मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखोगे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ पे सेव है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक कर लिया है, अब डायरेक्टली जाता हूँ मैं अपने फेसबुक के एप्लीकेशन में और यहाँ पर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ये जो अकाउंट है मेरा राइट है कि नहीं। सो फाइनली आप देखोगे मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे राइट है और मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो आप पता कर सकते हो सेम इस स्टेप का यूज़ करके। अब लेट्स एग्जांपल वैसे तो गाइस मेरा अकाउंट मुझे पता चल चुका है, मेरा पासवर्ड पता चल चुका है, बट तो मुझे अपने पासवर्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके केसेस में अगर आपका पासवर्ड गूगल अकाउंट में या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर में अगर आपका सेव नहीं है तो ऐसे में गाइस आपके पास एक थर्ड ऑप्शन बचता है कि आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा। इसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड सेव नहीं है तो आपको इस स्टेप को अप्लाई करना है और उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक कोड आएगा। यहाँ पे देखो मेरा जो रजिस्टर्ड किया था वो मैंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया था, इसलिए मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मुझे कोड आया और उसके बाद देखो कि मेरा अकाउंट यहाँ पे कन्फर्म्ड हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट फिर से लॉगिन हो चुका है। तो आपको इस स्टेप को अप्लाई करना है।